तहसील नकोदर दे नेड़े पिंड रौली विखे पंजवां सलाना कबड्डी टूरनामेंट भगत धन्ना जट दी याद नूं समर्पित दो दिना समूह नगर निवासियां समूह NRI वीरां समूह स्पोर्ट्स क्लब दे सहयोग नाल पिछले दिनी करवाया गया। इस टूरनामेंट दौरान कबड्डी तो इलावा वॉलीबॉल दे मुकाबले भी करवाए गए। वॉलीबॉल दे मुकाबले में सिद्धवां दोनों की टीम फर्स्ट अते नंगल अंबिया की टीम सेकंड रही। कबड्डी टूरनामेंट नूं कामयाब करन विच प्रधान चमकौर सिंह, जगतार सिंह खजांची, अमनदीप सिंह कबड्डी खिडारी, जथेदार सुखवंत सिंह, मनजीत सिंह आदि ने भरपूर सहयोग पाया। इस मौके लड़कियां की कबड्डी का शो मैच भी करवाया गया, जिहड़ा कि दर्शकां लई विशेष खिच दा केंद्र बनिया। कबड्डी 58 किलो भार विच रौली दी टीम फर्स्ट अते तलवण दी टीम सेकंड रही। कबड्डी 70 किलो भार विच सिद्धवां दोनां दी टीम फर्स्ट अते रौली दी टीम सेकंड रही। इस मौके मुख मेहमान वजो जथेदार अजीत सिंह कोहाड़ MLA शाहकोट ने शिरकत की। विशेष मेहमान सुरेंद्र पाल सिंह SHO फिलौर ने शिरकत की। इस मौके जथेदार कोहाड़ ने संबोधन करदा पिंड रौली दी टूरनामेंट कमेटी नूं टूरनामेंट करवाउण ते वधाई दित्ती। इस मौके टूरनामेंट कमेटी ने जथेदार कोहाड़ ते दानी सजना नूं विशेष तौर ते यादगारी चिन्ह दे के सम्मानित किया। कबड्डी टूरनामेंट मौके कमेंट्री दी भूमिका सतनाम सिद्धवां ने बहुत ही सुचजे ढंग नाल निभाई। कबड्डी ओपन पिंड दा पद्धर फाइनल मैच रौली ते बिल्ली पुल्लर विचकार समूह टूरनामेंट कमेटी ने शुरू करवाया, जिस विच पिंड रौली दी टीम ने जित प्राप्त करके कप ते कब्जा कीता। जेतू टीमां नूं नगद इनाम ते यादगारी चिन्ह दे के सन्मानित कीता गया। अंत विच जथेदार सुखवंत सिंह ने पहुंचे खिडारियां ते दानी सजना दा धन्नवाद कीता। भगत धन्ना जट दी याद विच महान टूरनामेंट रौली विखे करवाया गया। उहदे विच जिहड़े समूह दर्शक पहुँचे ते कबड्डी खिडारियां दा असीं सारे तहि दिलों धन्नवाद करदे हां, ते खास तौर ते सरदार अजीत सिंह जी कोहाड़ साबका कैबिनेट मंत्री पंजाब सरकार मौजूदा है हलका शाहकोट MLA साहब अपने रजीवें छड के साढ़े कोल पहुँचे, खास तौर ते उन्हां दा भी बहुत बहुत धन्नवाद करदे हां, ते नाल ही NRI वीरां नूं बहुत बहुत धन्नवाद समुचे नगर निवासियों का NRI वीरां दा। तुहानूं साडी इह पेशकश किहो जी लगी? अपने सुझाव अते विचार भेजण लई देखते रहो वैब TV न्यूज़ चैनल तहलका पंजाब TV.in।